एलाइड स्कूल सुपीरियर बहरिया कैंपस लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्लास हमारी प्रेप है और हमारा वीक चल रहा है 6। पेज नंबर 18 आज हमने करना है। पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन आंसर हैं और इसमें यूज़ है प्रोनाउन का। हमने पहले नाउन पढ़े हैं, ठीक है, और आज हमने कुछ प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। प्रोनाउन यहाँ पर जो यूज़ हुए हैं वो है ही, शी, आई, हिज, हर। इसके अकॉर्डिंग हम आज का लेसन पढ़ेंगे। अब जो गर्ल है, गर्ल के लिए शी यूज़ होता है और हर, ओके। बॉयज़ के लिए ही और हिज होगा, ये आपने याद रखना है। अब राइट साइड पे यहाँ पर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनका नेम भी लिखा हुआ है। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु इज़ शी, वो कौन है। सो शी इज़ हिना, ठीक है, गर्ल है और साथ उसका नेम है। तो यहाँ पे ये हीना जो है ये नाउन हो गया और इसका प्रोनाउन है शी, शी इज़ हीना। अब नेक्स्ट है हु इज़ ही, वो कौन है। अब देखें यहाँ इसका उर्दू में अगर हम तर्जुमा कर रहे हैं तो वो कौन है दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये बॉय के लिए कहा गया है या गर्ल के लिए कहा गया है। हु इज़ ही, ही जो है वो बॉय के लिए इस्तेमाल होता है और आगे नाम भी बॉय का लिखा हुआ शाहिद, तो इस बात को आपने याद रखना है, ही इज़ शाहिद, वो शाहिद है। हु आर यू, आप कौन हो। अब ये इसका आंसर है आई एम अली, मैं अली हूँ। व्हाट इज़ हर नेम। अब देखें सलमा है, ठीक है, गर्ल है, गर्ल के लिए हर इस्तेमाल होता है, उसका। व्हाट इज़ हर नेम, उसका नाम क्या है। हर नेम इज़ सलमा। व्हाट इज़ हिज नेम, अब यहाँ पे हिज इस्तेमाल हुआ है, हिज बॉय के लिए इस्तेमाल होता है। हिज नेम इज़ जाहिद, उसका नाम जाहिद है। अब इस पेज में आपने कौन सी चीज़ें अच्छी तरह से, जो मैंने शुरू में भी बताया, क्या याद होना चाहिए आपको, ही यूज़ होता है बॉय के लिए, ही और हिज, ही मीनिंग होगा वो और हिज का मीनिंग होगा उसका। शी इस्तेमाल होता है गर्ल के लिए, शी का मीनिंग होगा वो और हर इस्तेमाल होगा उसका कहने के लिए, ठीक है। और आपने जब आपको ये याद हो जाएगा कि शी किसके लिए यूज़ होता है, ही किसके लिए यूज़ होता है और आगे इसका हिज और हर इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके लिए ये वाला पेज करना बहुत आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे है, हमने फैमिली के बारे में पढ़ना है, अपनी फैमिली के बारे में। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अपनी फैमिली का पता चलेगा कि आपके जो बाबा हैं उनको क्या कहते हैं, फादर कहा जाता है, मामा के लिए मदर यूज़ होता है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर जो कि हमारी फैमिली का हिस्सा हैं उनके नेम आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने पिक्चर्स को देखना है साथ में, ठीक है, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन है। अब ये पहला है, दिस इज़ माई फादर। आप पिक्चर्स को, पिक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ये फादर हैं और आपने साथ में फादर के स्पेलिंग भी याद करने हैं। वर्ड बैंक में से आपने अभी चूज़ करना है, फादर लिख लेंगे, बट यू शुड रिमेंबर, यू शुड लर्न द स्पेलिंग। एंड दिस इज़ माई, पिक्चर से आपको पता चल रहा है मदर, ओके। दिस इज़ माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर दादा जान को कहा जाता है। अब पिक्चर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि जो पिक्चर में शो किया गया है कि ये थोड़े एजिड हैं,
इनके सर के बाल भी काफ़ी सारे नहीं हैं और माथे पे बल भी हैं, तो ये चीज़ आपको शो करेगी कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं। एंड दिस इज़ माई ग्रैंड मदर, दादी जान के लिए ग्रैंड मदर या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दिस इज़ माई ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे आप ग्रैंड मदर लिखेंगे। अब आपने आपने अपनी रूटीन में भी ये वर्ड यूज़ करने हैं, फादर फॉर बाबा, मदर फॉर मदर फॉर मामा, और दादा जान के लिए ग्रैंड फादर और दादी जान के लिए ग्रैंड मदर। जब आप इसको कुछ दिन आप इसको घर में यूज़ करेंगे इन्हीं वर्ड्स को, तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है माय वर्ल्ड। माय वर्ल्ड में हम सेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे पेज नंबर 7 पे, यहाँ पर कौन सी सेंस यूज़ हुई है, हेयर की। अब आपने क्वेश्चन ये है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम इन द करेक्ट कॉलम। पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जिनकी हमें आवाज़ आती है, जिनको हम सुन सकते हैं। ठीक है, अब पिक्चर्स किस किस की है, रैकेट है, बेलून है, एम्बुलेंस है, टीवी है, फ्लूट है और बुक है। अब आप देखेंगे कि इसमें से क्वाइट कौन सी है, कौन सी चीज़ है जो खामोश है, जिसकी आवाज़ नहीं होती है, और एक साइड पे जो नॉइजी चीज़ें हैं ना, नॉइज़ है जिनकी, आपने उनका लिखना है। अब हम चूज़ करते हैं जो रैकेट है, रैकेट की अपनी कोई आवाज़ नहीं है, वो शोर नहीं मचाता है, तो रैकेट हमने लिखना है क्वाइट में। ठीक है, स्पेलिंग लिखे हुए हैं, आप इस यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको याद भी करेंगे। और बैलून है, बैलून का भी कोई शोर नहीं होता है, और बैलून भी आप क्वाइट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बनी हुई है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का एक ख़ास हॉर्न होता है, हमें पता है कि जो एम्बुलेंस है उसकी आवाज़ होती है, हमें सुनाई देती है, तो एम्बुलेंस हमने नॉइजी में लिखना है। और टीवी, टीवी का तो सब बच्चों को पता है कि टीवी पे कार्टून्स लगते हैं, कमर्शियल्स लगती हैं, तो इसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं, तो टीवी हम नॉइजी में लिखेंगे। और फ्लूट जो है, फ्लूट भी जो बजाई जाती है, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी हम नॉइजी में लिखेंगे। और बुक का कोई शोर नहीं होता है, बुक कोई शोर नहीं मचाती ना, तो ये बुक जो है हम क्वाइट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी कौन सी सेंस यूज़ हो रही है, हेयर, सुनने की। ठीक है, यहाँ पे हमारी सुनने की हिस का इस्तेमाल हो रहा है। अब जो अगला पेज है, पेज नंबर 8, यहाँ पे जो सेंस है वहाँ ये है साइट, देखने की सेंस। अब क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन सी इन योर क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम में देखें कि आप अपनी क्लासरूम में मौजूद कौन सी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखी हैं आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं। चेयर्स हैं, ओके, टेबल है, डोर होता है, फैन है, बैग है, बुक होती हैं, कॉपीज़ होती हैं, पेंसिल होती हैं, रेज़र होती हैं, जो क्लासरूम में जो चीज़ें मौजूद हैं, तो आप जो